अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग लेक्चर सीरीज में आज हम प्रोग्रामिंग का एक टॉपिक देखेंगे। आज हम एक कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। तो जैसे कि पहले मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग लेक्चर सीरीज में हम C++ लैंग्वेज के ज़रिए से जो है कोर्स को कवर करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने डेव C++ जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना और उससे रिलेटेड एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो है वो भी मैंने परफॉर्म करके दिखाया था। आज हम जो है डेव C++ पे कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करते हैं। ये मैंने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया और हम सबसे पहले फाइल में जाएंगे। फाइल से न्यू में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि कंसोल एप्लीकेशन C++ प्रोजेक्ट हमने बनाना होता है और इसका नाम हम रख देते हैं कैलकुलेटर। तो ये हमारे पास एक सैंपल आ गया इनिशियल कुछ वर्डिंग के साथ। इसमें से कमेंट हम डिलीट कर देते हैं। तो इंक्लूड हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम ये हमारे पास सामने आ गया। नेक्स्ट हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस STD और उसके बाद इंट मेन हमारे पास फंक्शन आ गया। तो सो ये फंक्शंस, ये रिटर्न जीरो, ये यूजिंग नेम स्पेस, ये आई स्ट्रीम हेडर फाइल्स और ये जितने भी कमांड्स आप देख रहे हैं इनकी डिटेल हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल एक जस्ट मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम क्या होता है, कोड क्या होता है और इन कोड्स में से एक कैलकुलेटर का कोड अगर हम लिखें और फिर कैलकुलेटर बनाना हो तो कैसे बनाया जाता है। तो ये एक इनिशियल आइडिया है, फिर इसकी डिटेल जो है इन टॉपिक्स की जो डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद फिर हमें समझ आ जाएगी कि ये चीज़ें क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं इंटीजर, मतलब इंट टाइप का हम वेरिएबल ले लेते हैं एक ए और दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं बी। देन उसके बाद अब ये जो दो वेरिएबल हमने लिए, वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, कभी आप 5 रख लें, कभी 10 रख लें, 8 रख लें, कोई भी वैल्यू रख लें। अब ए और बी दो वेरिएबल हैं, इनके अंदर अगर हम कोई वैल्यू असाइन करना चाहें तो उसका तरीका ये है कि आप यूज़र से कहें कि जी प्लीज इंटर प्लीज प्लीज भाईजान इंटर टू नंबर्स या फिर इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यूज जो है यूजर से लेना चाह रहे हैं तो ये हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। तो दोस्तों ये हमने डबल कोटेशन में इसलिए लिखा है क्योंकि सी आउट जो है कमांड, इसके सामने जो भी आप स्ट्रिंग लिखेंगे वो स्क्रीन पे एज इट इज डिस्प्ले होगी। तो इनके इन चीज़ों के डिटेल्स फर्दर हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इतना सोचें कि जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होना है उसको डबल कोटेशन हमने लिख दिया। देन उसके बाद वैल्यू इंटर कराने के लिए जो कमांड है वो है सी इन। सी इन के जरिए से हम ए की वैल्यू इंटर करेंगे और फिर सी इन के ही जरिए से हम बी की वैल्यू इंटर करेंगे। अब बेसिकली वैल्यू इंटर तो क्लाइंट या यूजर करता है जो एंड पे आउटपुट स्क्रीन देख रहा होता है और जो है सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, जो मैंने सी इन ए और बी लिखा है इसको इकट्ठे भी लिख सकते हैं। खैर, फिलहाल हम ए और बी की वैल्यू इंटर करने के बाद इसका रिजल्ट जो है देखना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये जो मैं बेसिकली बना रहा हूँ एक किस्म का समझ लें कि जस्ट एक एडिशन वाला कैलकुलेटर बना रहा हूँ, ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। एडिशन इज ए प्लस बी। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया एडिशन वाले कैलकुलेटर का। इसको कंपाइल करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है।
तो ये हमने जो है कंपाइल करके देखा, हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। एनी जी एरर जीरो, वार्निंग जीरो, देन उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। कंपाइलेशन के बाद रन के बटन को क्लिक करते हैं। इनकी शॉर्टकट की जो है कंपाइलेशन की F9 है और रन की जो है वो F10 है। तो F10 अगर हम प्रेस करें या रन का बटन क्लिक करें तो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है एज इट इज़ वही जो कि हमने सी आउट के सामने लिखा था। सी आउट के सामने हमने लिखा प्लीज़ बाई जान इंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो सपोज कि हम ए की वैल्यू इंटर कर देते हैं 65 और B की वैल्यू इंटर कर देते हैं 5, तो हमारे पास आंसर 70 है आना चाहिए और ये आपके सामने है, एडिशन इज 70। तो दोस्तों ये एडिशन का कैलकुलेटर हमने विद इन 5 मिनट हमने बना लिया। अब इसी कैलकुलेटर को थोड़ा इन्हांस करना चाहिए इसके फीचर्स। तो जैसे एडिशन की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन और बाकी ऑपरेशन भी इसके ज़रिए से इसी कोड के जरिए से परफॉर्म करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सब्सट्रैक्शन ए माइनस बी, और फर्दर अगर मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तो भी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, देन उसके बाद डिवीजन भी एज इट इज हम डिवीजन ए स्लैश B। Then इसको कंपाइल करके देख लेते हैं, अगेन देयर इज नो एरर। इसके आउटपुट दिखाने से पहले मैं आपको ना डिस्कस कर लेता हूँ कि एक छोटा सा सेमी कॉलन भी अगर मिस हो जाए तो हमारे पास प्रोग्राम रन नहीं हो रहा था। सपोज के जैसे यहाँ पे एक कॉमा लिखा हुआ है ए और बी के दरमियान, मैं इस कॉमे को अगर हटा देता हूँ तो देखते हैं कितने एरर आते हैं। दोस्तों ये आपके सामने काफ़ी सारे एरर आ गए हैं और प्रोग्राम जो है इस टाइम रनिंग कंडीशन में नहीं है, कंपाइल भी नहीं हो रहा। तो एक छोटा सा भी सेमी कॉलन, फुल स्टॉप या कॉमा, कोई भी छोटी सी मिस्टेक करने पे हमारा प्रोग्राम रन नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्यूटर जस्ट वही करेगा जो उसकी लैंग्वेज में उसे सिखाया गया है। एनीवे ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कोड हमने लिखा, देन इसके बाद कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। सपोज के हमारे पास ए की वैल्यू हम रख देते हैं 55 और बी की वैल्यू रख देते हैं हम 4 रख लेते हैं। तो एडिशन 59 हो गया, सब्ट्रैक्शन 51, मल्टीप्लिकेशन 220 और डिवीजन जो है वो 13 है। अच्छा, रियल में तो 13 नहीं आना चाहिए, सम पॉइंट्स में भी कोई वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि हमने इसको डिवाइड बाय 4 किया हुआ है। तो दोस्तों जो इंटीजर वैल्यू जो डाटा टाइप, ये बेसिकली डाटा टाइप होता है, डाटा टाइप्स की भी डिटेल्स आगे फर्दर मैं डिस्कस करूंगा, लेक्चर अपलोड करेंगे हम। जो इंटीजर है बेसिकली वो डाटा टाइप होता है। अब अगर आप यहाँ पे फ्लोट लिख दें तो आपके पास इंटीजर की बजाय फ्लोट वैल्यूज यानी डेसिमल वाली वैल्यूज उसके भी आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे और उससे रिलेटेड भी आप कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब सेम वही मैं अगर लिखूं 55 एंड 4 तो आप देख सकते हैं कि डिवीजन का जो आंसर है वो 13.75 आपके सामने है। इसका मतलब यह है कि फ्लोट वेरिएबल से सॉरी डाटा टाइप से आप वेरिएबल्स के एग्जैक्ट वैल्यू जो है डेसिमल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये हमारा कैलकुलेटर बन गया और कुछ चीज़ें और ध्यान में रखनी है आप लोगों ने कि सपोज कि अगर हम यहाँ पे एडिशन इज लिखा और सामने एडिशन करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन इज, मल्टीप्लिकेशन इज, मल्टीप्लिकेशन जो है मैं लिख देता हूँ लेकिन आगे फार्मूला मैंने एडिशन का लिखा हुआ है, तो हमारे पास रिजल्ट देख लेते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट अभी देख लेते हैं कंपाइल करके, एरर कोई नहीं आया।
लेकिन अभी सपोज के 4 हमारे पास ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इज 7 लिखा आ रहा है। बेसिकली 4 और 3 को ऐड करने पे 7 बनता है, मल्टीप्लिकेशन से 12 बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर को जो फॉर्मूला हम देंगे, जो कोड में हम लिखेंगे, वो उसी को फॉलो करेगा, ना कि हमारी इंग्लिश जो डबल कोटेशन में लिखी होगी उसको। तो फर्दर ये जो एक ही लाइन में आपको सारा आउटपुट नज़र आ रही है, इनको अगर अलग अलग लाइंस पे देखना चाहें हम, तो हर कमांड के बाद हम एंड लाइन जो है वो लिख सकते हैं सी आउट के बाद एंड लाइन। तो एंडर लिखते हैं, इससे क्या होता है कि हमारे पास जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन पे चली जाएगी। तो इससे आई होप के काफ़ी यानी के आउटपुट देखने में आसानी फील होगी। सपोज के 44 हमारे पास एक वैल्यू है, सेकंड वैल्यू हमारे पास 7 है। एडिशन इज 51, सब्ट्रैक्शन 37, मल्टीप्लिकेशन 308 और डिवीजन जो है वो 6.28, ये हमारे पास डिवीजन का रिजल्ट है। तो दोस्तों इसी कैलकुलेटर को जो है, जो हमने कैलकुलेटर बनाया है, इसको हम अगर प्रॉपर किसी क्लाइंट को देना हो तो उसका तरीका कार क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये इस प्रोग्राम को हमने सेव किया हुआ, इसको क्लोज कर देते हैं। तो प्रोग्राम जहाँ मैंने सेव किया है वो ये फोल्डर है C++ कोड्स वाला। इस फोल्डर के अंदर हमने जो नेम रखा था प्रोग्राम को वो CALCU रखा था। तो इसमें 3 किस्म की फाइल्स आपके सामने, काफ़ सारे बल्कि 5 किस्म की फाइल्स आपके सामने नज़र आ रही होंगी। इनमें से जो क्लाइंट को हमने देनी होती है वो जस्ट एक एप्लीकेशन फाइल एग्जी फाइल होती है। जो CPP फाइल है, ये इसके एक्सटेंशन में आपको पहले दिखा देता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, फाइल के एक्सटेंशन है .cpp। तो फाइल का नेम CALCU है, CALCU। और इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, इसको अगर ओपन करके मैं दिखाऊं नोट पैड के ऊपर, तो जो हमने कोड लिखा होता है वो HTTPS यहाँ पे सेव हो रहा होता है CPP फाइल में। तो दोस्तों ये कभी भी ये फाइल हमने क्लाइंट को नहीं देनी होती, जब भी प्रोग्राम सेल करने लगे या अपना सॉफ्टवेयर सेल करना हो। और उसके बाद जो कंपाइलर सॉफ्टवेयर जो है Dev C++, उसकी एक फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। उसके अलावा ये आउटपुट फाइल है जो प्रॉपर हमने क्लाइंट को देनी होती है। उसके अलावा लेआउट और ऑब्जेक्ट फाइल है, ये क्या, ये सिस्टम फाइल्स होती हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता, ये मशीन रीडेबल फाइल्स होती हैं। अब कैलकुलेटर जो ये CALCU नेम की जो है फाइल आप देख रहे हैं, ये एक एप्लीकेशन फाइल है और इसकी एक्सटेंशन जो है .exe है। जैसे अक्सर आप सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते तो सेटअप .exe वगैरह लिखा होता है। दोस्तों ये हमारे पास समझ लें एक किस्म का सॉफ्टवेयर बन गया, और इसको मैं यहाँ पे अगर पेस्ट कर दूँ तो ये आपके पास एक इनिशियल फर्स्ट सॉफ्टवेयर फर्स्ट प्रोग्राम जो हमारे पास बन गया। इसी को सपोज के किसी को देना हो, जैसे अक्सर आपको गेम्स वगैरह दी जाती हैं तो सेटअप के नेम से दी जाती है, तो ये सेटअप जो है हमारे सामने जो है फाइल बन के आ गई है। इसको किसी को भी आप देना चाहें USB में डाल के दे दें, तो जहाँ पे DOS और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा वहाँ पे ये फाइल चल जाएगी। इसको डबल क्लिक करें और इंस्टॉलेशन किस फॉर्मेट में, यहाँ पे यस का बटन होगा और यस करके इंस्टॉल करके ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है रनिंग में आ जाएगा। तो ये आपने आज कैलकुलेटर बनाना सीखा है। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। अल्लाह हाफिज़।